चलिए सीधा रुख करवाता हूँ अगली खबर से, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बेगू से जो विधायक राजेंद्र सिंह भिदूड़ी हैं वह और भैंस रोड करके SHO संजय गुर्जर, इन दोनों का एक ऑडियो वायरल हुआ था 3 मार्च को। ऑडियो वायरल होने के बाद में लगातार राजस्थान के अंदर तमाम प्रकार की चर्चाएं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इसके अंतर्गत एक और नया मोड़ देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दूं कि नरेश गुर्जर फौजी नामक एक व्यक्ति ने एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो के अंतर्गत वह कहता हुआ नजर आ रहा है कि गुर्जरों की कौम को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा उन्हीं का कहना है। हालांकि न्यूज 19 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप सभी को इस वीडियो से रूबरू करवाएंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से एक फौजी का दर्द झलकता हुआ नजर आ रहा है, सीधा आप सभी को रूबरू करवाता हूँ। राम राम राजस्थान के वीर गुजरों, मैं आपका भाई नरेश फौजी जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैंने गुजर कौम की आवाज उठाई थी कि परसों के दिन संजय गुजर थानादार को ऐसी बद्दी बद्दी गालियां दी थी माननीय विधायक साहब ने, तो मेरे रहा नहीं जाया, मैंने बोल दिया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और आज के महीना पहले शिवराज शाम गुजर को सीए साहब को गंगरार से सस्पेंड कराया था, इससे पहले रावत बाटा को एक गुजर को कराया था, और अभी एक पासवली विदुड़ी को फंसाया था इन लोगों ने मिलकर। तो इनका टारगेट ये है कि इन गुजरों की मैं आवाज को दबाऊं। मेरे खिलाफ इसने अभी नाजायज चित्तौड़ के एक वकील है, उसने मैंने बात नहीं की, उसने जाके कलेक्टर साहब को मेरा नाम का केस दर्ज कराया है। गुजरू जागो उठो, आपके रोग में भगवान देव नानक का वंशज है, अगर आप इन बारवासियों को नहीं भगाओगे तो ये अपन गुजरू को टारगेट करने के लिए बेगू में आया है। आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मैं आपका भाई आपका बेटा जम्मू कश्मीर -25 में खड़ा हूँ। मैं आपके लिए आवाज उठाई थी और इसने मेरे खिलाफ मुकदमा डाला। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं एक फौजी हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया जो ये मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसका टारगेट की मेरे खिलाफ कोई बोले नहीं और जो बोले उसको मैं घर बिठा दूं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। अब दो वीर गुजरों के इसे पल्ला पड़ चुका है, ये नकली गुजर है, नकली गुजर बन के आया दिल्ली से, अपना शोषण कर रहा है। भगवान देवनाड़ के वंशजों राजस्थान के वीर गुजरों, आपको जागना पड़ेगा। अगर ये दो वीर गुजरों को आपने साथ नहीं दिया तो ये अपने ऊपर भारी हो जाएगा, आपको लड़ना होगा, उठना होगा। मैं एक फौजी होते आपके लिए लड़ सकता हूँ, तो आप मेरा साथ दीजिए। मेरा तो मुकदमे से कुछ होने वाला नहीं है, मैंने उस वकील से बात की नहीं, मैंने उसके कॉल किए नहीं, लेकिन ये सोच रहा कि कैसे कैसे इसको फंसा दूं। मैं फंसने वाला इंसान नहीं हूं, डरने वाला इंसान नहीं हूं, मैं गोली से लड़ सकता हूं, तो ये तो एक दिल्ली का विधायक साहब है, तो मैं डर मेरे रगों में नहीं है, मेरी रगों में माँ पन्ना धाई गुजरी का खून है। उस माँ ने अपने बेटे की बलि दी थी मेवाड़ के लिए, तो मैं उसी माँ का बेटा हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा और आपके लिए लड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय हो देवदनी दरबार की। आपको जगना है, उठना है, लड़ना है।